मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी एक चीज़ हम लोग सोच रहे हैं, गुजरात में ऐसा पता चल रहा है कि गुजरात में बहुत ज़्यादा धूप है एंड इट इज़ अ वेरी नॉट अ वेरी नाइस थिंग टू गो देयर। पर हम सोच रहे हैं कि रिस्क लें, जाएँ हम थोड़ी दूर जाते हैं, लेट्स एंटर गुजरात, लेट्स सी हाउ इट इज़ एंड देन वील सी फ्रॉम देयर। हम लोग ने गाड़ी भी उसी पर्पज़ के लिए ली और 4th में हमारा जो वेडिंग एनिवर्सरी है वो हमको एक इसी तरह से स्पेंड करना अच्छा लगता है कि हम लोग एक इन्वेस्टमेंट के तौर से मैं कोई ज्वेलरी ले लेती हूँ। ये हमारे 2-4 चीज़ पेटेंट हैं कहीं 5-star में या कहीं, अगर हम कहीं नहीं गए तो देन वी ईट इन अ 5-star के साल में एक बार हम ये कर सकते हैं। एंड 5-star फिर हम चूज़ करते हैं, जहाँ नहीं गए हैं उसी में जाते हैं। सो वी गेट अ हैंग ऑफ इट, यू नो, हैंग ऑफ इट मतलब कि थोड़ा सा पता चलता है कि ये 5-star कैसा है इस तरह से। और जैसे कि एक यहाँ पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है बॉम्बे में, तो वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर 1400 की एक थाली आती है। इट कम्स इन अ शेप ओनली ऑफ इंडिया का मैप, जो उस जगह का नाम मैं नहीं मालूम। 1400 की वो थाली होती है और वो मैप में वो लोग दिखाते हैं कैसे वो लोग देंगे, बट द वे दे प्रेजेंट, एक एक कोर्स वो लोग वन एट ए टाइम लाते हैं। तो इस तरह का अलग अलग चीज़ ट्राई करना हम दोनों को अच्छा लगता है। मगर अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, हमको गुजरात जाना है और हम जाएंगे, हमको वो करना है एंड लेट्स सी यहाँ बैठे बैठे, क्योंकि अभी टेम्परेचर वाइज अगर हम लोग ने गूगल में देखा तो वो टेम्परेचर रिड्यूस धीरे धीरे हो रहा है। तो हो सकता है कि इतना ना हो, और 2 हॉटेस्ट डे, वो आज है थर्सडे, आज थर्सडे है, कल वेनसडे था, ये 2 दिन हॉटेस्ट डे थे तो वो तो चले गए। और उस हॉटेस्ट डे में भी मैं बाहर घूम रही थी, कल मैं गई थी मंदिर में, तो उस हॉटेस्ट डे में मतलब ऑब्वियसली इतनी देर नहीं थे, थोड़ी देर थे, तो भी मान लो तो 5 मिनट से भी कम मैं थी। बट व्हेन द सन इज़ स्कॉचिंग यू नेवर नो, तो ये चीज़ थी। तो बस अभी बैठे बैठे वही हम लोग हर बार, जब भी मैं और राकेश लाइक यू नो जब भी आँख मिलती है तो हम बोले वही क्या करना है, जाना है नहीं जाना है, बट देन इतना क्या सोचना है, यू नो समटाइम्स यू नीड टू टेक द रिस्क। तो चलो, तो सोनू ने कर लिया है ये दिया और बाती, दिया और अगरबत्ती, दिया और बाती क्या गाना गा रहे हैं हम। ये रहा मैं। तो अभी सवाल वही है फिर से, क्या होगा आगे, कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे, जरूर जाएंगे, रिस्क लेंगे, दुनिया में हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। हम लोग, और चलिए देखिए आगे की प्लानिंग कैसी होती है, बने रहिए पल पल हमारे साथ। ये मैंने यहाँ लगाई है अपनी गाड़ी इस तरह से, और यहाँ लगने लगा। ये स्टूडियो खुला है यहाँ पे बिटको में, पर ये अभी इसका ओपनिंग नहीं हुआ है, कल 11 बजे ओपनिंग होगा इसका। तो सारे लोग आ तो रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी लोग आ रहे हैं, पर वो हम लोग निकले थे स्टूडियो जाने के लिए। जैसे आपने देखा कि स्टूडियो तो यहाँ ओपनिंग ही नहीं हुई है, तो इसीलिए हम लोग फिर वापस घर जा रहे हैं, और कल सुबह निकलना है हम लोग को गुजरात के लिए। तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पे डीजल लेने के लिए रुके हैं। सांगा कितनी जाए से? हाँ बोलते गाड़ी बगित, हाँ हाँ बगित, हाँ बगा बाउटे यूपीआई देना यूपीआई स्कैनर, हाँ स्कैनर दे। चलो ये गांव की खानी हुई है, यहाँ पर सब गाड़ी वालों से कुछ ना कुछ मांग रही हैं, शायद कुछ मुसीबत ही होगी, इधर से देखते रहना। तो बज रहे हैं 10:30, और अभी थोड़ा सा हम लोग ने एडिटिंग के अंदर थोड़ा ये किया हम लोग ने,
मेरी जो एक्सयूवी, मैंने पहले भी ट्राइबर चलाई है, इंडिका भी चलाई है, हमारी जो बाइक है वो भी चलाई है थोड़ी, पर मेरे को रोड का जो फियर था वो बहुत ज़्यादा था। तो आज सुबह, कल सुबह सॉरी, मैंने गाड़ी चलाई तो आज उसका व्लॉग हम लोग ने डाला, और उसमें हम लोग ने बहुत सारा कुछ कुछ आपने देख लिया होगा, जब तक मैं ये बोल रही हूँ तब तक तो आपने देख लिया होगा। तो वो एक चीज़ हुई, और साथ ही साथ कल सुबह हम लोग गुजरात के लिए निकल जाएंगे। और मतलब आज जो मैंने एडिटिंग की, तो मुझे मतलब मैंने कितने सारे यूट्यूबर्स को देखा कि उन लोगों ने हमारे सामने गाड़ी चलाना सीखा लिया, फिर लग्जरी कार्स ली और ये सब। तो एक एक तरह का इंस्पिरेशन कि वो लोग इतने छोटे बच्चे हैं और इतने निडरता से उन लोग एकदम ये करते हैं। और फिर एक चीज़ मुझे समझ में आई कि एक तो उन लोग को एक साधन भी चाहिए रहता है, हर किसी को, गांव से शहर आना ये वो सब, और साथ ही साथ अगर आप रोज़ कुछ चीज़ करेंगे तो वो होगा। पर ये मेरे लिए एक मेमोरी मैंने अपने इसके अंदर एक जॉट डाउन की है कि मैं भी पलट के देखूंगी कि हाँ देखो आज मैंने पहली बार, तो मतलब कछुआ भी मेरे से ज़्यादा फास्ट चल रहा होगा, मैंने इतना स्लो चलाया। बट द पॉइंट वॉज नॉट स्पीड, द पॉइंट वॉज, क्योंकि जब अकेला खाली सड़क था तो मैंने तो 100 पे भी चलाया था, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। तो मतलब द फियर ऑफ एनी बडी, बी डॉग्स और बी द पीपल वॉकिंग, बी द यू नो द ट्रैफिक, द कार्स एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ से डर नहीं लग रहा था। नहीं तो आई ऑलवेज फील दैट दे आर ऑल गोइंग टू कम एंड यू नो डैश मी और यू नो समथिंग लाइक दैट, पर आई वॉज हेलबेंट और वो चीज़ हुई, और आई वॉज थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू कृपाणुदेव, टू राकेश एंड टू एवरीबॉडी जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस ये था, तो मैंने सोचा कि वो भी आपसे मैं शेयर करूँ कि देखो वो ये गाड़ी लेने का जो पर्पज़ है, टू गिव मी फ्रीडम एंड टू गिव मी द मूवमेंट, क्योंकि राकेश इतना उसका वर्क इतना इज़ सो चैलेंजिंग एंड सो बिजी के, एंड इतने सालों से मैं वही वेट करती थी। देर आर मैनी पीपल लाइक मी शायद, कि हस्बैंड आएंगे तो कहीं जाएंगे, आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज, कि अगर मुझे मंदिर भी जाना है तो यहाँ से दूर है, और यहाँ रिक्शा भी इतना जल्दी नहीं मिलता, और मिलता भी है तो बहुत महंगा। सो आई वेट कि राकेश मेरा काम ख़त्म हो गया, राकेश चलना है क्या, मेरे को छोड़ के आ जाओ, दिस दैट एंड एवरीथिंग। बट आई ओनली गॉट सिक एंड टायर्ड ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड आई थॉट नो आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू गो। अब मैं जैसे सत्संग जाती हूँ घाटकों पर, तो एक एक बार कैब में 500-600 डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक एंड द पीक आवर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि आई फील क्या मतलब इतना भी क्या है, आई शुड ड्राइव। सो keeping that in mind, I am going to go ahead, take up the challenge, come out as a winner. तो बस ये चीज़ है। एक्चुअली मैंने सोचा था गुजरात जाने के पहले ही मैं कम्प्लीटली सीख लूँगी, बट देन नेवर द लेस इज बेटर लेट देन नेवर। तो चलो थोड़ा जो जितना भी आता है आई एम गुड। तो बस अभी खाना देखेंगे अभी हम लोग, राकेश काम कर रहा है, उसका ऑफिस का भी काम कर रहा है, एडिटिंग भी कर रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। राकेश, ये देखो उसको, ये चीज़ ऐसे यहाँ चलता ही रहता है कि ये ऑफिस का लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है, और उसका खुद का लैपटॉप भी था, मगर अभी अभी उसने एक घंटे पहले रख दिया अंदर। तो सब हमारा काम रेडी है, सॉरी हमारा सामान वामान सब रेडी है, गुड टू गो। तो चलिए थोड़ी देर में आपसे फिर से मिलते हैं। चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, काफ़ी दिनों बाद मैं एक एंडिंग ले रही हूँ ब्लॉग की। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो, आपको लगता है कि हाँ चलो कुछ मेहनत कर रहे हैं दोनों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट आप नहीं करते हैं पर करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि हम जो भी मिले, जो भी हमको दिया जाए, उसमें भगवान की इच्छा है ऐसा मेरा मानना है, और जो भी होता है वो योग्य है। तो जो हो रहा है होने दीजिए, आप लोग की या मेरी किस्मत, जब आप लोग को बोलना होगा जो भी होगा बोलेंगे, वो सही होगा, योग्य होगा। तो तब तक सी यू, कल सुबह हम लोग निकलेंगे, तो हम हमारे साथ चलिएगा, रोड ट्रिप एंजॉय कीजिए, सी यू टुमारो।
हाँ।